मातृशक्ति का कार्यक्रम हुआ संपन्न। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया पहुंचे शिवपुरी जिला के ग्राम खोड़ में। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत और वहीं लाडली बहनों ने मिलकर मातृशक्ति प्रोग्राम में सफल किया। वह प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचंड रूप से विजय होने की बात की। गुना शिवपुरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया आज शिवपुरी विधानसभा के खोड़ और पिछोर विधानसभा के पिछोर कस्बे में मातृशक्ति सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने पति के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। बता दें कि प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने खोड़ पंचायत में अपने काफिले को रुकवा लिया था, जहां एक भोजनालय सहित फल बेचने वाले के पास पहुंची और उनसे चर्चा की। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने एक दुकान पर पहुंचकर अपने लिए पीले रंग की साड़ी भी खरीदी। आज अपने दौरे के दौरान उन्होंने बाजार में पैदल चल लोगों से उनके पति को वोट करने की अपील की। और ये भी आप याद रखिए, जब महिला साथ में उठके काम करती है ना, तो कुछ पीछे नहीं रहता। जब आप गांव में जाते हैं और त्योहार के पहले, अगर आप अकेले अकेले अपने घरों में बैठ के कुछ बनाओगे तो इतना इतना लगता है। अगर आप साथ में कुछ बनाते हो, खेती में जाते हो, तो काम जल्दी भी और अच्छा भी हो जाता है। हाँ, तो इसलिए हम सबको मिलके हमारा क्षेत्र अच्छा बनाना है और भी अच्छा बनाना है। हाँ, महाराज ने ये काम कर दिया है कि आज आप भारत में कहाँ भी जा सकते हो। तीन घंटे आप ग्वालियर पहुँचते हो और ग्वालियर से कन्याकुमारी हो कि जहाँ भी आपका जाता, इतना आसान हो गया। आज मेरी बहने जो अस्पताल जाती है उनके लिए अस्पताल भी पास हो गया। और ऐसे करते करते ये 20 साल कैसे गुजरे हमें भी पता था। कितना पसीना महाराज ने निकाला आप लोगों के लिए और कितना प्यार मिला महाराज को आप लोगों से। हाँ, पीछे तो सब खाली पड़े हैं, कोई मजा ही नहीं है इधर। जोरदार तालियां। तो ये बात आप याद रखें कि साथ मई को कौन सा वाला बटन दबाएंगे। सुनाई मैंने दिया बहुत पुलिस मिला इधर कमल का फूल। जोर से बुलवाओ, जोर से बोलो, आज हम लोग बैठेंगे और महिला वही बोलेंगे। चलिए सब लोग।